लड्डू के भैया, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। नहीं पीना है चाय वाय। हाय दिया, क्या हुआ लड्डू के भैया, हमसे नाराज हैं का? एक आदमी तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति के मुंह में इतनी बेदर्दी से खीरा घुसेड़ के चला जाता है और तुम उसको हलवा पूरी खिलाती हो। ऐसा बात नहीं है, आपको पता ही नहीं है कछु, उनको ना बहुत भयंकर बीमारी हो गया है। वो आए थे हमारे पास, उनको बहुत पछतावा हो रहा था लड्डू के भैया, हमसे माफी भी मांगे हो। कोई बीमारी नहीं हुई है, ये सब ड्रामेबाजियां हैं उनकी। और माफी मांगनी है तो तुमसे काहे मांग रहे, हमसे आके माफी काहे नहीं मांगते? तिवारी जी, आई एम सॉरी, मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर आप अभी भी गुस्सा हैं तो मैंने आपके मुंह में एक खीरा ठूसा था, आप मेरे मुंह में चार खीरे ठूस दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। चलिए माफ किया आपको, जाइए, माफ किया। देखे देखे देखे, हम बोले थे ना आपको कि पार्वती जी बहुत ही सेंट हैं। अभी इस डिसेंट सही पकड़े हैं। आप बैठिए, आपके लिए चाय लाते हैं और वो समोसे भी लाते हैं खाने के लिए। भाभी जी, मैं यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं बल्कि खिलाने के लिए आया हूँ। क्या खिलाने आए हैं आप? ये जो आदमी ये हरकत करके गया है, इस विषय में तुम्हारा क्या कहना पगली? क्या कहना है लड्डू के भैया, आपको बताए तो थे कि उनका अपने इंद्रियों पर पेट्रोल ना ही बचा है। भाभी जी, मैं कसम से कहता हूँ कि मैं जानबूझ के कांड नहीं कर रहा हूँ, ये कांड हो रहा है, कोई करवा रहा है मुझसे कांड। कौन कौन करवाएगा, कौन भूत ऊत है जो करा रहा है? मैंने बताया था आपको झटके लगते हैं मुझे भाभी जी, तो जिसमें क्या है कि मेरा जो माइंड है वो बॉडी से अलग हो जाता है भाभी जी, मैं जो माइंड कुछ कहता है बॉडी कुछ कर रही होती भाभी जी। I'm really sorry। आपका आँख हमको आँख मार रहा है। Oh God, मेरा आँख आपको आँख मार रहा है। देखिए भाभी जी, मैं जान के नहीं मार रहा हूँ, ये बदतमीज कमबख्त खुद अपने आप चल रही भाभी जी। मैं इस बीमारी को लेकर इतना परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको भाभी जी। लड्डू को भैया को देखता हूँ तो हाथ चलने लगते हैं, आपको देखता हूँ तो हाथ पैर सर आँख जबान सब चलने लगती भाभी जी, सब चलने लगती है। ये तो बहुत भयंकर बीमारी हो गया है आपको। हाँ भैया, हरी सिंह बोलो। अरे बोलो बोलो महाराज, क्या समस्या है तुम्हारी? हैं? क्या बात कर रहे, काऊ ने तुम्हारी बकरी खोल दी? अरे यार, अच्छा ठीक है, तुम जो बताओ तो मैं कौन हूँ, आदमी पे शक है की पे ठीक है मलखान पे शक है? अरे यार ये लौंडा, तुम ठहर जाओ, हम पूछताछ करते हैं सारण से। का हो अब, कौन सी रिपोर्ट लिखने हैं? अब की बार भैया विभूति ने क्या कर दो, तुम्हारे मुंह में तलवार घुसेड़ दई का?
अरे तलवार नहीं घुसेड़ी है इस बार, उन्होंने चप्पलों से पीटा है। सही करो सोटर। क्या कहा आपने? हाँ हाँ, हम मतलब क्या बात कर रही तुम? भैया विभूति ने तुम्हें चप्पलों से कूटो। हाँ हाँ, चप्पलों से कूटो है। लेकिन क्या बताए भैया तिवारी, जब केस में भी तुम्हारे बिल्कुल दम ना है गू यार, चप्पलों से कूट दिया, अगर ऐसो ऐसो कछु कर दे तो कौन केस अदालत थोड़ी बिठाई जाती है, तो हंटर से पीटने पर अदालत बिठाई जाती है। आओ साहब, आप सारो जो भी होगो बच के ना जा पाएगो। बस एक बार उस कमीने का फोन आ जाए। पता नहीं कमबख्त इस बार क्या फरमाइश करेगा, मैं तो डर रहा हूँ। वो जो भी कहेगा उसकी बात आपको माननी पड़ेगी मिस्टर विभूति। अगर वो कहेगा कि हप्पू सिंह का खून कर दो तो क्या मैं कर दूँ? कर देना। अरे साहब जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर हमारा खून हो जाएगा तो हमारे नौ नौठंगे बच्चा, प्रेग्नेंट बीबी, उनको कहोगे? विभूति, वो जैसा कहता है वैसा करो। लेकिन उसने तो सिर्फ दूध फेंकने के लिए कहा है ना, तो फेंको ना। लोग पता लगाइए ना कि किस फोन से किस नंबर से ये कॉल आया है। ट्रैकिंग प्रोसेस में है मैडम, सिर्फ 10 सेकंड। जिस नंबर को हम ट्रैक कर रहे हैं वो ट्रैक हो गया है। ओह माय गॉड, अरे क्या हुआ, किसके नंबर से आया ये कॉल? ये तो हप्पू सिंह का नंबर है। हप्पू सिंह, यानी कि ये सब आपकी मिली भगत है। कमीने, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? और तूने कितनी चावर खाई है उस ब्लैकमेलर से, बता मुझे। अरे यार, जे तुम का फालतू की बातें कर रहे हो, हम अपने प्रेग्नेंट बीबी नौ नौठैये बच्चन की कसम खा रहे हैं यार, हमने एक ना पैसा की निशाबन नहीं खाई है। साहब हमें बस कछु लेनो देनो नहीं है, ये फालतू की बोल रहे हैं। अच्छा, अगर लेना देना नहीं है तो फिर वो आपके नंबर से फोन कैसे कर रहा है? तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसी अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ आने की? मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगने आया हूँ। I'm sorry। कितनी बार माफ करें आपको, हर बार तो माफ कर देते हैं फिर चले आते हैं माफी मांगने। अब ये आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, इसके बाद माफी नहीं मांगूंगा मैं आपसे। अबरभूति जी, लड्डू के भैया के लिए चाय बनाए थे, आपके लिए भी ले आएगा? अभी जी चाय पीना छोड़ दिया मैंने, आजकल दूध पीता हूँ। हाँ तो ले आते हैं ना दूध, आप रुकिए लाते हैं। लीजिए। भगवान, क्या हो गया बरबुद्धि जी के साथ, उनको जल्दी ठीक कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? How dare you? वो भाभी जी, हम तो जरा क्या कर रहे हैं आप ये? छेड़ रहे हैं भाभी जी, छेड़ रहे हैं।